My name is Prasad Sharma and I am in MBA Finance second year thanks to COVID-19. So guys, generally free time mein to main cricket and all khelta hu, but abhi COVID-19 ke time pe college ne zyada free time nahi diya as such ki pareshan nahi kiya, lekin hamari internship wagera thi to itna free time nahi mila, but ab generally main Netflix ya Amazon Prime pe series dekhna prefer nahi karta hu. I'm kind of active guy कि मुझे बाहर outdoor games, basketball हो, cricket हो या फिर any outdoor games, basketball, cricket आप first two preferences, लेकिन any outdoor games. तो अभी COVID-19 के time पे possible नहीं है, तो COVID-19 के time पे तो हमें free time है ही नहीं, तो ये ऐसे नहीं कि assignment वगैरह दे दिए बहुत, लेकिन हमारा summer internship था, तो summer internship में so we had to work for that, तो काफ़ी कम free time मिलता था, तो उसमें भी जो भी free time मिलता था I like to spend with my family, क्योंकि बार बार ये टाइम नहीं मिलने वाला. ओके गाइस, तो पोस्ट लॉकडाउन के बाद मेरे प्लान्स तो क्लियर है. मैं सोचा नहीं था कभी भी मैं ऐसे बोलूँगा, लेकिन आई एम मिसिंग माई कॉलेज बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स. तो जब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो जितने भी शर्त की जो चॉकलेट्स मैंने जीती है उनसे, तो सबसे पहले तो वो लूँगा, और उसके बाद जो बाहर आउटसाइड स्ट्रीट फूड है, वाह, मतलब ठीक है कॉलेज के पास इतना खास नहीं, लेकिन पुणे में देयर आर मेनी आउटलेट्स, अगर इफ़ यू नो द राइट प्लेस मज़ा आ जाएगा भाई. तो जैसे तंदूरी मोमोज मेरे फेवरेट्स है, वन ऑफ द फेवरेट्स, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, तो बस वही करना है. सर्टिफिकेशन में तो मैंने लाइक डेरिवेटिव रिसर्च सर्टिफिकेशन किया मेरे इंटर्न कंपनी के तरफ से ही, और कोर्सेर पे आई एम डूइंग 3-4 मोर, लाइक अभी किया नहीं है, कर रहा हूँ, प्लानिंग टू डू. लॉकडाउन के टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने सीखी है, झाड़ू पोछा करना और बर्तन मांझना. मजाक नहीं कर रहा, मेरी रोज की ड्यूटी थी झाड़ू पोछा करने की. पहले 2-3 दिन तो भाई 10 कमरे है एक तो घर में, उसी में हालत ख़राब हो जाती थी, और अच्छे से ना करो तो मम्मी पहले 2-3 दिन पीछे, जैसे हम बायो के पीछे जाते हैं ना कि ये कोना साफ कर अच्छे से, ये कोना साफ कर, भाई जो क्लास लगी थी भाई. तो सेकेंड चीज़ व्हाट आई लर्न इज कि हेयर कट कैसे करना घर पे. दिस इज़ नॉट माई रेगुलर हेयर कट, मुझे आती नहीं है, मेरे सिस्टर ने हेल्प की, तो दिस इज़ माई रेगुलर लुक लेफ्ट साइड में. एडिटर प्लीज रेगुलर वाली ना, जलता है एडिटर, हाँ ये वाली राइट. लाइक आई हैव डन माई इंटर्नशिप फ्रॉम मनी रोलर. माई इंटर्नशिप टॉपिक वॉज डेरिवेटिव रिसर्च, देयर आर सर्टन कंपनीज एंड ऑल, सो बेसिकली डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वगैरह बनानी थी, यही था रिसर्च, तो उसके ऊपर आई एम मेकिंग अ रिसर्च पेपर राइट नाउ. ठीक है गाइस, ये वाला पार्ट में मैं बिना रीटेक के बोलूँगा, तो थोड़ा यहाँ वहाँ निकल गया, तो एडिटर प्लीज़. ठीक है, तो बेसिकली ना मैंने गाइस वो रैंचो वाली लाइफ जी है कॉलेज में. आप बोलोगे क्या फेंक रहा है, लेकिन जो रैंचो वाली लाइफ जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, दो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है. एक तो आप जो कर रहे हो ना, आप दिल से कर दो, पसंद होनी चाहिए आपको, फाइनेंस इज दैट थिंग. और दूसरी चीज़ आप बचपन से मस्ती खो रहे हो एक नंबर के, और मैं हूँ, मजाक नहीं कर रहा, बचपन से कॉलेज में टीचर्स जो स्कूल थे या कॉलेज के टीचर्स थे, नाक में दम करके रखा है मैंने बचपन से. तो बेसिकली अब मैं क्या करता हूँ, जो 1 आवर जो अपना लेक्चर्स का होता है, आई एक्ट लाइक अ मैच्योर किड और आंसर्स वगैरह स्मार्टली वगैरह सब देता हूँ, तो साइड में वो सुनने का भी कोई मतलब नहीं. लेकिन जो बीच में का 10 मिनट का ब्रेक होता है ना गाइज, इतनी मस्ती करी है. मेरा मानना है कि अगर आपका कोई फ्रेंड है ना, आप उसे हक से उसके हाथ में से चॉकलेट्स या जो भी खाने की चीज़ें ना, आप छीन के खा सकते हो. अगर आप नहीं कर सकते हो किसी के साथ, तो आप बेसिकली वो आपका क्लासमेट है, आपका फ्रेंड नहीं है. और इतनी मस्ती करी है मैंने, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं, लाइक सबके आई कार्ड्स, एक बच्चे के जैसे सबको तंग किया है, लाइक सबके आई कार्ड्स ले लेता था मैं, बहुत बहुत मस्ती करी है. मुझे पता है बैठी में बहुत असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं,
केस स्टडीज देते हैं, दे गिव फॉर योर लर्निंग. तो बेसिकली मैंने कभी कोई केस स्टडी या असाइनमेंट स्किप नहीं किया है, मैंने रीड किया है उसे, अपने मन से आंसर्स भी दिए हैं क्लास में, ठीक है, उसका अलग ही सुकून होता है. और सेकेंडली मेरा बहुत तंग करता हूँ सबको, मैं वो ब्रेक में रह नहीं पाता हूँ. एक जो बच्चा बाहर आता है ना मेरा, यू कांट इमेजिन, लाइक जो स्कूल में बेसिकली करते हो ना, वो सब करता हूँ. देखो जूनियर्स के लिए ना मेरी सिंपल एडवाइस है, लास्ट टू इयर्स है आपके कॉलेज के, इसके बाद एंजॉयमेंट करने को नहीं मिलेगा. मुझे पता है पीजी के स्टूडेंट हो आप, पढ़ाई तो आप खुद की कर ही लोगे, लेकिन एंजॉयमेंट इसके बाद आपको कॉलेज लाइफ एंजॉय करने को नहीं मिलेगा, आपके जॉब्स चालू हो जाएंगे. तो आपको कुछ भी लगे, आपको हैंगआउट प्लेसेस जाननी हो या पुणे के बारे में कुछ भी जानना हो, सपोज आप नए हो पुणे में, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी, मेरा इंस्टा आई डी डिस्क्रिप्शन में रहेगा. और साथ ही साथ में अगर आपको स्टडीज़ में भी डिफ़िकल्टी हो रही हो मेरा, आप बिंदास कॉन्टैक्ट करो, फाइनेंस स्पेशली फाइनेंस के स्टूडेंट्स, आई विल रियली हेल्प यू आउट.